हेलो दोस्तों, होप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं राहुल राज, फाइनल ईयर में साइंस बी एच यू, और आज हम लोग दिवाली का लास्ट क्लास हमारा, तो कल ही का रिजल्ट आया था। बट मैं कल ही वीडियो बनाने वाला था, बट उसकी वजह से थोड़ा तबीयत सही नहीं था, तो अभी कोई आया नहीं, मैंने सोचा बना दूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यार, जिनके थोड़ा इसको हम लोग कैटेगरी वाइज जाएंगे, मतलब कि जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, जो 650 के ऊपर वाले हैं, जिनको कॉलेज मिल जाएगा, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन यार। मजे करो, जाओ, जब तक कॉलेज लौट नहीं होता जाओ, सबसे मिलो, घूमो, जहाँ घूमना है एक से मिलो, क्रश से मिलो, बंदी से तो मिलोगे ही, तो सब कुछ करो और जाओ घूमो। और बाकी जो 600 से 650 के बीच में है, बस यही कहेंगे कि तुम लोग अच्छा किए हो, थोड़े से मार्क्स के लिए रहेगा, लेकिन जितना कॉलेज तुम्हें चाहिए था मिल गया है, ले लो। अगर मिल गया इस बार तो कॉलेज ले लो, ये मत सोचना कि इस बार नहीं लेंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बट अगर कोई किसी को अगर स्पेसिफिक कुछ कहना हो, देन medicocktail@gmail.com या इंस्टा पे @medicocktail तुम लोग बोल सकते हो, ये चीज़ है। बाकी अगर देखो, बाकी जो लोग कम रह गए 500 से 600 के बीच में, तो उन लोगों को बस यही कहना चाहेंगे कि देखो यार, तुम लोग अच्छा किए, नो डाउट, बट थोड़ा सा रह गए, वो किसी की वजह से भी हो सकता है, सेल मिस्टेक से हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो नेक्स्ट टाइम तैयारी करते वक्त इसको ध्यान में रखना, जो भी तुम्हारी मिस्टेक्स हैं उसको लिखो और प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, कितना, आज नवंबर हो ही गया। तो यही है, मिस्टेक्स लिखो और अभी तो दिवाली मनाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सब लोग दिवाली मनाओ मस्त एकदम, झूम के मनाओ, झूम के पटाखा छोड़ो अगर बैन नहीं है तो, और उसके बावजूद उसके बाद जो टाइम बचे उसके बाद से एक प्लान बनाओ प्रॉपर और उसको एग्जीक्यूट करो, क्योंकि अब प्लानिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। पहले प्लानिंग इंपॉर्टेंट नहीं था, पहले कुछ भी रैंडम पढ़ लेते थे बच्चे, वो एग्जाम में आ जाता था, अब वैसा नहीं है, प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस हैं। और बाकी जिनका कम रह गया है, और मतलब 400, 300, 200, बाकी उन सब के लिए यही है कि देखो यार, अब जैसा पेपर का प्लान है, जैसा मैंने पेपर देखा था उस हिसाब से यही लगता है कि मेन यही है कि बेसिक अगर तुम्हें आता है, प्रॉपर प्लान, प्रॉपर एग्जीक्यूशन, एग्जाम के डे जो तुम्हारा मेंटल वो जो होगा इंटेंस, वो दिखाओ। और इजिली हो सकता है, चाहे तुम्हारे इस बार 100 आए हो, 160 आए हो, और मेनली उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनका 100-200 आया है, इसका मतलब है कि तुमने तैयारी करके नहीं दिया था। फैक्ट इज फैक्ट, बुरा मत मानना, बट तुमने तैयारी करके नहीं दिया था। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर तुमने तैयारी करके नहीं देखा था, तो इस मार्क्स से खुद को जज मत करना कि मेरा इस बार 100 आया है तो मेरा 600 आ सकता है कि नहीं। ये दोनों इररिलेवेंट चीज़ है, क्योंकि एक तुमने बिना तैयारी के किया था, अगर जो तैयारी करके किया था, जैसे कि जिसका 500 आया वो पूछेगा, लग सकता है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे देखो, अगर जिनका 500 से 500 आया हो, वो अगर 650 के लिए पूछे, तो ये एक रिलेवेंट टॉक होगा, क्योंकि मतलब उन्होंने क्या गलती की है, ये चीज़ को समझना जरूरी है। लेकिन अगर तुम्हारे 100, 200, 300 आए हैं, तो इसका मतलब है कि तुमने उतने अच्छे से तैयारी नहीं करी, तो बेटर है कि मार्क्स छोड़ो और तुम शुरू से तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। और जितना हो सके पेपर लगाओ, और इस बार वही चीज़ है कि पेपर लगाओ, पेपर लगाओ तो 3 घंटे लगाओ, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है, बस इतना ही कहना चाहेंगे। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, जिनका अच्छा हुआ मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ, जिनका उम्मीद से थोड़ा कम रह गया, कोई बात नहीं दोस्त, करना MBBS ये मस्त लाइफ चिल करो। और जिनका नहीं हुआ, अगर तुम जो करना चाहते हो लाइफ में, अगर करना चाहते हो, और जिनका 3-4 ड्रॉप हो गया है, वो एक बार इस दिवाली में सोच लेना कि तुमको अगर यही करना है तो ही आगे तैयारी करना, क्योंकि देखने में अच्छा लगता है कि 4 साल का तुम्हारा अगर यही चला जाएगा, तो फिर 5.5 साल का MBBS है, फिर PG है, फिर सुपर स्पेशलिटी है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये पहले डिसाइड कर लेना। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थैंक यू सो मच।